नमस्कार दोस्तों, मैं राजा कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। दोस्तों इस वक्त हम बिहार के उस पावन जिला में मौजूद है बेगूसराय में, और इस वक्त हम यहाँ पे है यानी कि सिमरिया के पुल पे। और ये जो सिमरिया का पुल है जो अंग्रेज के द्वारा यानी कि ये पुल को बनाया गया था जो रामधारी सिंह दिनकर के ग्राम में है, उसी पुल पे मौजूद है। और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कांवड़िया लोग है यानी इस पुल पे है जो घूम रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। इस साइड थोड़ा विजुअल दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस साइड है जो यानी कि पुल एक फिर से नया तरीका से यानी पुल को बनाया जा रहा है। और इसी घाट पे जो है जितने श्रद्धालु लोग आते हैं इस घाट पे है जो यानी कि स्नान करते हैं। थोड़ा नीचे का विजुअल दिखाने का प्रयास करेंगे, इसी घाट पे सभी श्रद्धालु यानी कि आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये सभी माता गाना यहाँ पे आए हुए हैं यानी भक्त सब है, और यहाँ से शायद कहीं के लिए जल उठाएंगे। और भी आगे चल के देखेंगे यहाँ पे भी कई सारे ऐसे भक्त हैं जो देखेंगे किस तरह से यानी कि सेल्फी ले रहे हैं यानी फोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग जो है पहली बार आए होंगे। चलो इन लोग से हम जानेंगे क्या कुछ कहाँ ये लोग जाएंगे, इस सबसे हम बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे। और ये जो गंगा जी का नदी है पानी देखेंगे यानी कि लगभग भर गया है पानी, जो देख सकते हैं पूरा जो है ऊपर तक पानी आ गया है। और उस साइड एक बड़ा तरीका से यानी पुल का फिर से यानी कि ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे भी देखें कुछ भक्त लोग हैं, कुछ फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पे दो भाई लोग हैं ये सब भी हैं जो बैठ के शायद कहीं ना कहीं सेल्फी सब ले रहे हैं। इन सभी थोड़ा हम जानेंगे कि लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ तक जाएंगे। खड़े हो जाइए आप लोग, क्या नाम है? चिरुल कुमार। घर कहाँ हुआ? बस करो। अरे कहाँ घर हुआ? हुआ घरपुरे घर। अच्छा घरपुरे घर हुआ, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बाबा हरिद्वार धाम। कहाँ जा रहे हैं? घरपुरा हरिगिरी धाम। अच्छा यहाँ से जल उठाएंगे क्या? हाँ जल लेने के लिए आए हैं। हाँ आए हैं। अच्छा फर्स्ट ही बार आए हैं, किससे पहले भी आए थे? फर्स्ट बार आए हैं। फर्स्ट बार आए, कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देख सकते हैं कि ये जो भक्त हैं जो घरपुरा ग्राम से है और यहाँ से जल लेंगे, और यहाँ से जल उठाकर है ये लोग पुनः जो है घरपुरा जाएंगे और वहाँ पे जल अभिषेक करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे भव्य तरीका से यहाँ बहुत सारा श्रद्धालु गण है जहाँ पे अभी स्नान कर रहे हैं और यहाँ से जल उठाकर यानी कल सोमवारी है, कल सोमवारी दिन में अपने जो जहाँ जहाँ भी जो भी भक्त जाएंगे अपने अपने निवास स्थान पे जाएंगे। और वहाँ पे जहाँ भी मतलब बताएंगे कि कई ऐसे मतलब मंदिर है जहाँ पे जो ये सभी जल अभिषेक करेंगे। और यहाँ बहुत सारे माता गण यानी को देखेंगे सभी जो है यानी कि यहाँ पे फोटो एक तरह से देखेंगे सेल्फी पॉइंट बन गया है, यहाँ पे खाली फोटो फोटो यानी कि सभी भक्तगण है यहाँ पर आके खिंचवा रहे हैं। तो हम लोग भी हैं जो अभी यानी हम लोग भी यानी कि देवघर के रास्ते में है यानी कि देवघर जाएंगे, तो रास्ते में यानी कि सोचे हैं कि यहाँ पे रुके हैं तो थोड़ा यहाँ के एक वीडियो शूट कर ले। और ये जो है अंग्रेज जमाना के द्वारा ये पुल को बनाया गया था, और इस पुल का लंबाई है 5.6 यानी लगभग 5.5 किलोमीटर लंबाई यानी कि यह पुल है जो महात्मा गांधी सेतु के बाद जिस पुल का नंबर आएगा वो जो यही पुल है राजेंद्र यानी कि सेतु, जो सिमरिया के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उपस्थित यानी प्रजेंट में है। और उस साइड देखेंगे यानी एक पुल भव्य तरीका से यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये कमरिया लोग देखेंगे इस पुल पे देखकर यानी कि बारीक बारीक से कितना गाड़ियां जो है लाइन लगाकर सभी जा रहे। चलिए और भी आगे के विस्तार है जो अगले वीडियो में दिखाने का आपको प्रयास करेंगे।